हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाएंगे टाटा के ब्रांड से आने वाला है टेस्टर। इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, अभी ये प्रोडक्ट आ चुका है। आज मैं देखेंगे कैसी क्वालिटी है इस टेस्टर की, प्लस आपको कंपेयर भी करके बताएंगे कि ये जो लोकल मार्केट में मिलने वाले टेस्टर होते हैं इनमें और जो कंपनी के ब्रांडेड आते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहे। सबसे पहले इस टेस्टर की बात करें, जो ब्रांडेड आप देख पा रहे हैं टाटा के एंड से आने वाला, इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत ही एक्सीलेंट है। वहीं अगर आप ये लोकल मार्केट से मिलने वाला टेस्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कंपनी ने कहीं भी प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दी है। अब बात करें हैंडल की, तो आप देख सकते हैं हैंडल साइज़ में कितना फ़र्क आ जाता है लोकल और ब्रांडेड वाले में। ब्रांडेड वाले को अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो प्रॉपर हाथ में फिट हो जाएगा, वहीं अगर आप इसको पकड़ेंगे तो हाथ में प्रॉपर फिट नहीं होगा, छोटा ही रह जाएगा। सेकेंड डिफरेंस अगर आपको बताऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रबड़ की ग्रिपिंग कैसी है, तो इसका नुकसान ये होता है। मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं और आपने इसको मेन सॉकेट में लगा रखा है, गलती से आपका ये रबड़ नीचे चला जाए और आप उसको एरिया को टच कर लें तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और आपको करंट पूरा पूरा लगेगा। पर इस केस में देखें, जो ब्रांडेड आता है कंपनी ने यहाँ पे रबड़ को फिक्स कर दिया है, इसकी वजह से रबड़ कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो और आप पावर सॉकेट से आप पावर सप्लाई से वर्क कर रहे हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसमें जो तीसरे मेजर डिफरेंस आपको दिख जाता है, अगर आप इसके टॉप वाले एरिया को देखें तो आप यहाँ पर फिनिशिंग देखेंगे तो कंपनी ने कितने ढंग से फिनिशिंग दी है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लोकल वाले में तो यहाँ पे कंपनी ने एकदम शार्प बना दिया है। ये सोच के कि शार्प रहेगा तो स्क्रूज को खोलना आसान होगा। तो अगर आप इसके केस में देखेंगे टाटा वाले में, आप कोई भी स्क्रू खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा। जो इसकी जो टॉप की फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो स्टैंडर्ड है जितनी होनी चाहिए किसी भी स्क्रू ड्राइवर के लिए। मगर आप इसके केस में देखेंगे ये कंपनी ने ऐसी क्वालिटी का बना दिया है। बिल्ड क्वालिटी भी इतनी ज़बरदस्त नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। आप देखें यहाँ पे इस तरीके से हिलने लग पड़ता है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और प्राइस के पॉइंट से भी बताऊँ तो अगर आप कंपनी का ब्रांडेड लेंगे टेस्टर, तो ये वाला जो आप टाटा का भी देख पा रहे हैं ये मुझे पड़ा है मात्र 70 रुपये का, और ये जो लोकल आपको दुकानों में मिलते हैं टेस्टर जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, ये आपको पड़ता है 40 से 50 रुपये का। तो आप खुद देख सकते हैं 20 रुपये के डिफरेंस में कितना मेजर फर्क आ जाता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आप डीआईवाई वर्क घर में खुद करते हैं तो हमेशा ब्रांडेड टूल्स ही परचेज करें। इस तरीके के लोकल ब्रांड के टूल परचेज ना करें क्योंकि इनका कोई हेल्प नहीं होता। 10-20 रुपये के डिफरेंस में कितना लाइफ को मेजर डिफरेंस आ जाता है यूज़ करते समय। आपको यहाँ पे करंट लग सकता है, बट इस केस में कोई भी करंट ले लेगा। प्लस अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड वगैरह खोल रहे हैं तो इसकी ग्रिपिंग और इसकी जो आपको मैंने आगे की शार्पनेस बताई बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके में फिर भी कोई डाउट है इस टेस्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।